सुबह से तमाम मीडिया चैनल एक वीडियो दिखा रहे हैं उस अहम बिंदु पर आज ये प्रेस वार्ता है। और सबसे पहले ये कितना चिंताजनक है, हमारे लोकतंत्र के लिए क्यों ये खतरा है, क्यों ये दिखाता है कि आज आम आदमी पार्टी स्पा मसाज पार्टी बन चुकी है, क्यों ये ना पूछा जाए अरविंद केजरीवाल जी से कि आपकी चुप्पी क्यों है आखिर। और बहुत अहम बिंदु हम ये भी उठाना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पार्टी है बदनाम दाम पार्टी। बदनाम दाम पार्टी, दाम लगाओ और जो चाहे वो करवाओ। अरविंद केजरीवाल जी, आज बात किसी और से नहीं होगी, आज बात होगी अरविंद केजरीवाल महाठग, जिसके इशारे पे भ्रष्टाचार होता है, ठगी होती है। और जब इस तरह का विस्फोटक वीडियो आता है जो लोकतंत्र को खतरे में डाल देता है, तो अरविंद केजरीवाल जी आप कहां छुप जाते हैं, कहां चले जाते हैं? कट्टर ईमानदार, यही कहा था ना आपने, कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देता हूं। वो कट्टर ईमानदार, कट्टर बेईमान मसाज करा रहा है सारे कानूनों का उल्लंघन कर। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, आपने संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। और ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कट्टर बेईमान ठग जो मसाज करा रहा है, अभी भी ये 5 महीने से जेल में है, लेकिन मंत्री पद से हटाया नहीं गया। इस कट्टर बेईमान ठग ने, महाठग अरविंद केजरीवाल ठग ये सतेंद्र जैन, इन्होंने भी संविधान की रक्षा करने की शपथ ली। आज जो बातें हम यहां से उठाएंगे, कैसे कानून को तार तार कर दिया जाता है, कानून अगर भ्रष्टाचारी मेरा ठग है तो कानून वानून कोई मतलब नहीं रखता है। अरविंद केजरीवाल समझते हैं वो और उनका भ्रष्ट मंत्री कानून से ऊपर है। और वीडियो देखने के बाद कुछ सवाल जो पूछ रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल आप में हिम्मत है, पूरे भारत की जनता, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है, आज आप कहां छुपे हुए हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम सब ने देखा किस तरह से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई भारत में। देयर इज नो VVIP, कोई VVIP नहीं है, ये जनता VVIP है। लेकिन VVIP कल्चर क्या होता है, आज वीडियो में दिखाई दे रहा है। एक जेल जहां कड़ी सुरक्षा होती है, उस कड़ी सुरक्षा को भेद कर
नियम कानून होते हैं, प्रिजन एक्ट पढ़िए अरविंद केजरीवाल, उसको ताक पर रखकर आप एक भ्रष्ट मंत्री को पहला हटाते नहीं है, दूसरा उसको सारी सुविधाएं दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं जो कि एक आरोपी को मिलनी नहीं है। ये मसाज क्या हो रहा, क्या है ये मसाज? एक कैदी और एक आरोपी, उसको मसाज दिया जाएगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल बाहर निकलो, बताओ ये मसाज क्यों दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब आप जेल में होते हैं तो आप किसी और कैदी की तरह होते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता, ये हमारा संविधान कहता है। एक निर्धारित कपड़े होते हैं, निर्धारित कपड़े हर कैदी और आरोपी को पहनने होते हैं। ऐसा क्यों है? टी शर्ट में बैठे हैं, ये बताएंगे अरविंद केजरीवाल। तीसरी बात, जो भी मिलने आएगा किसी कैदी से, एक समय होता है और कितने विजिटर्स आएंगे ये निर्धारित होता है, ये प्रिजन एक्ट है और जेल मैनुअल भी कहती है। एक वीडियो है जिसमें चार व्यक्ति उस सेल में, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान, 5 महीने से जिनकी बेल नहीं हुई है, लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और चार व्यक्ति वहां अंदर हैं और बातचीत चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है, जैसे कि भारत रत्न मिलना चाहिए जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं, भारत रत्न देंगे। चौथी बात, सबसे बड़ी शंका जो हमारी जांच एजेंसियां भी कह रही हैं, जिस पे आरोप अरविंद केजरीवाल लगाते हैं, अगर बेल नहीं होती है तो, मैं एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं आपको बता दूं, न्यायालय हमेशा संज्ञान लेता है कि अगर ये व्यक्ति बाहर गया तो जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, जो विटनेस हैं, उससे छेड़छाड़ ना करें, तो वो समाज से दूरी बना के रखता है। यहां चार चार व्यक्ति अंदर आ रखे हैं, ये आरोप है अरविंद केजरीवाल आप पे, आरोप लगाते हैं आप पे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, प्रमाण मिटाए जा रहे हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये महाठग अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं। उस वीडियो में मिनरल वाटर है, बिस्लेरी मिनरल वाटर पिएंगे हम? आप तो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पार्टी बनाए थे, आपने तो कहा था कि वीवीआईपी कल्चर को मैं खत्म कर दूंगा, मेरी वैगन आर है, सुरक्षा लूंगा नहीं, सरकारी बंगला लूंगा नहीं। यहां तो एक भ्रष्टाचारी आरोपी, कट्टर बेईमान, सारी सुख सुविधाएं पा रहा है, ऐसा क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? उसको टीवी की सुविधा है, रिमोट हाथ में पकड़े है, वो ऐशो आराम की जिंदगी है। और एक और चिंताजनक बात जो उस वीडियो में सामने आई है, अरविंद केजरीवाल ही केवल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मंत्री को उन्होंने हटाया नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को मैं आपके समक्ष अभी रखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कि आरोपी हो, ये कैबिनेट में बना रहे, ये चिंताजनक है, मुख्यमंत्री का क्षेत्र अधिकार है, वो इस पर निर्णय ले। ये फैसला आने के बावजूद मंत्री हटते नहीं है, और चिंताजनक क्या है मैं अब आपसे साझा करता हूं। ये जो मसाज करने व्यक्ति आता है, ये ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल का ही कोई जुड़वा भाई है भ्रष्टाचारी। वो मसाज देते देते कागजों का एक पुलिंदा निकालता है,
कट्टर बेईमान महाभ्रष्टाचारी ठग सतेंद्र जैन लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। और उसके बाद वो कागज का ये पुलिंदा पूरा निकाल के दे देता है, अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे दिया है। वो देखते हैं ऐसे पलट पलट के, ये काम ठीक लग रहा है, ये नहीं ठीक लग रहा है, किससे कितनी वसूली करनी है। ठगों से भी वसूली कर ली थी, सुकेश चंद्र शेखर याद आ गए, तो अंदर वसूली रैकेट भी पूरा चल रहा है। आज ये पूछा नहीं जाएगा कि एक व्यक्ति जिस पे इतने गंभीर आरोप हैं, उससे दिल्ली की जनता की कौन सी सरकारी फाइलें साझा की जा रही हैं, या कोई भ्रष्टाचार का डर है अरविंद केजरीवाल? आपको ऐसा लगता है आप भी पकड़े जाएंगे जो महाभ्रष्टाचार आपने किया है, और इसलिए सतेंद्र जैन से आप कह रहे हैं स्पा मसाज पार्टी को बचाओ, तिजोरी का कोड बताओ, इनमें क्या करना है ये बताओ। ये सारी बातें जो मैंने रखी आपके समक्ष, किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा है कि ऐसा व्यक्ति आज दिल्ली का मुख्यमंत्री है जो संविधान को तार तार करता है, जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है, जो खुद महाभ्रष्टाचारी है, और जब जनता सवाल पूछती है, जब भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से मुद्दे को उठाती है, कोई उत्तर नहीं होता इस महाभ्रष्टाचारी महाठग कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल के पास, तो वो चुप्पी साध देता है। राजनीतिक तौर पे एक सवाल सबके मन में है, आखिर अरविंद केजरीवाल ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हैं और उनकी कोई मजबूरी है कि सतेंद्र जैन को मसाज करवाएंगे, सर पे चंपी होगी चंपी। और जो समझ में आता है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के काले धन की जो तिजोरी है, उस काले धन की तिजोरी का एक पासवर्ड है। भ्रष्टाचार किंग है अरविंद केजरीवाल, हजारों करोड़ रुपया जनता का लूटा है, तिजोरी में बंद है। अब तिजोरी का पासवर्ड है किसके पास? तिजोरी का पासवर्ड है ठग कट्टर बेईमान सतेंद्र जैन के पास। अगर मसाज चंपी पैरों को दबाना ये नहीं करवाएंगे, तो फिर वो जो काली कमाई है वो अरविंद केजरीवाल कैसे इस्तेमाल करेंगे? और कहा जाता है सैया रहे कोतवाल तो डर काहे का, यहां पे तो सैया रहे मंत्री, वो भी जेल मंत्री, तो डर काहे का? डरने की चिंता, कोई डर नहीं, चिंता नहीं है। और देखिए ये वीडियो अभी जो हम चलाएंगे, ये वीडियो बहुत अहम एक और कारण की वजह से है। जब जब जनता के मुद्दे उठा के आरोप लगाए गए, अरविंद केजरीवाल ऐसा है, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैंने कभी गलत नहीं किया, मुझे तो टारगेट किया जा रहा है, ये बोल रहे थे। आज ये वीडियो है, अरविंद केजरीवाल जी वीडियो में सतेंद्र जैन है या नहीं है? क्या ये सत्य नहीं है कि दिल्ली सरकार के अंडर आता है जेल मंत्रालय? क्या ये सत्य नहीं है कि वहां पे सरकारी फाइलें कागज जा रहे हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि विजिटर्स के जो रूल होते हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा है? चार लोग उस सेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और
एक बात और है, आज जनता कितना ठगा महसूस कर रही है। एसएमसी क्या है ये? देना था एस से स्कूल, दिया भ्रष्टाचारी को स्पा। जनता को स्कूल देना है, 500 बनाएंगे, मनाया एक नहीं 25 बंद हो गए। ऐसे जनता के लिए स्कूल, ऐसे भ्रष्टाचारी मंत्री के लिए स्पा। एम, हम मेडिकल हॉस्पिटल बनाएंगे, सुविधाएं देंगे जनता को। एम, जनता को मेडिकल सुविधाएं, अपने भ्रष्टाचारी मंत्री को एम से मसाज चल रहा है। कौन सा मसाज चाहिए, वहां पे मेन्यू लगा होगा। डीप टिश्यू चाहिए, सतही चाहिए, पत्थर से करे, तेल से करे। मजाक बना दिया आपने लोकतंत्र को, हैं? मेडिकल सुविधाएं देनी थी एम से, मसाज दे रहे हैं। सी, कॉलेज बनाएंगे बच्चों को, हम कॉलेज देंगे। बच्चे कॉलेज जाने लगे, स्कूल गए। बच्चा केजरीवाल से कहता है पढ़ेंगे कहां, टॉयलेट की सीट दिखा के कहते हैं ये सीट है, यही कुर्सी है। टॉयलेट को हम क्लास मानते हैं। अब आप मुझे बताइए, सी से देना था कॉलेज और सी से करा रहे हैं चंपी, हैं? ये कौन केजरीवाल है भाई? ये गंभीर बात है। ये बताने का मकसद ये है, महा ठगों के ठग, कट्टर बेईमान, खुद को अवतार बताते हैं हिंदू भगवान का, कृष्ण भगवान का। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति जो इतना भ्रष्टाचारी हो, जिसके रगों में खून से ज्यादा भ्रष्टाचार दौड़ रहा हो, वो व्यक्ति कहां छुपा है आज? और जो बात हम कहते हैं बहुत प्रामाणिकता से कहते हैं, आधार होता है उसका ठोस। मैं आपको केवल और केवल, और मैं जानता हूं कि जनता की उम्मीद और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद अगर कोई है, जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, वो मीडिया है। जब हम भी मीडिया के सामने आते हैं तो केवल अनर्गल आरोप नहीं लगाते, हम प्रमाण लेके आते हैं, तथ्य लेके आते हैं, संविधान की बात करते हैं, न्यायालय की बात करते हैं। मैं आपको दो आदेश दिखाऊंगा जहां कहीं आपको छुपे हुए चूहे की तरह बिल में छुपे हुए अरविंद केजरीवाल मिले। ये दोनों आदेश जो इसकी मूल भावना है जरूर बताइएगा। 17 नवंबर, दो दिन पहले का, दिल्ली न्यायालय का ये आदेश मेरे हाथ में है। सतिंदर जैन महाभ्रष्टाचारी, उनकी बेल रिजेक्ट होती है और 5 महीने से ज्यादा अवधि हो गई, वो जेल में ही है, बेल नहीं हुई है। और याद करिए, इनको कहा जाता था कट्टर ईमानदार हैं, भारत रत्न मिलेगा, ये कहते थे महाठग अरविंद केजरीवाल। 118 नंबर का एक पैराग्राफ है, अरविंद केजरीवाल के चेहरे का नकाब हटेगा, आंखों की जगह आपको गुलाबी गड्डियों के 2000 के नोट ना मिले तो नाम बदल दीजिएगा, वो भी काली कमाई के। क्या कहता है, पढ़ रहा हूं, आई एम कोटिंग पैरा 118 सेज, इन द लाइट ऑफ एफोर्सेड डिस्कशन इट हैज प्राइमा फेसाई कम ऑन रिकॉर्ड दैट एप्लीकेंट एक्यूज सतेंद्र कुमार जैन वॉज एक्चुअली इन्वॉल्व इन कंसीलिंग द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बाय गिविंग कैश टू द कोलकाता बेस्ड एंट्री ऑपरेटर एंड देयर आफ्टर ब्रिंगिंग द कैश इन टू द 3 companies। दूसरी लाइन, द एप्लीकेंट एक्यूज सतेंद्र कुमार जैन हैड नोइंगली डन
नोइंगली डन, जानबूझकर करा गया काम. सच एक्टिविटी टू ऑब्लिटरेट द ट्रेसिंग ऑफ द सोर्स ऑफ इल गॉटन मनी. पहले जानबूझ के काले धन को कंपनियों में लाते हैं और उसके बाद जो प्रमाण है, जो डिजिटल फुटप्रिंट भी है, उसको खत्म करने का काम करते हैं. और अंत एक लाइन से कर रहा हूं, ये अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे करारा तमाचा है न्यायालय का. शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल को. न्यायालय कहते हैं, एंड आई एम कोटिंग अगेन, हेंस एप्लीकेंट एक्यूज्ड सतेंद्र कुमार जैन हैज प्रिमा फेसी इंडल्ज इन द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. This is what the court of the country says. It doesn't matter, Arvind Kejriwal. You certify a corrupt minister and you say he is honest. Honest to the core. You will confer Bharat Ratna on him to the people of the country and Delhi. To every journalist. What matters is what the court of the country says. What the constitution of the country says. The second judgment, एक पैराग्राफ में इससे भी पढ़ूंगा, यह है 27 जुलाई 2022 को एक याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय गया और उन्होंने पूछा सवाल जो जनता पूछ रही है. एक भ्रष्टाचारी मंत्री, आपकी क्या है मजबूरी कि भ्रष्टाचारी मंत्री से नहीं बनाते हो दूरी, बताइए. एंड दिस इज व्हाट द कोर्ट सेड, पैरा 23. इट इज पर्टिनेंट टू नोट एट दिस जंक्चर दैट व्हाइल इट इज नॉट फॉर द कोर्ट टू इश्यू डायरेक्शंस टू द सीएम, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू रिमाइंड दीज की ड्यूटी होल्डर्स अबाउट देयर रोल with regard to uphold the tenets of our constitution. The Council of Ministers has a collective responsibility to sustain and uphold integrity of the Constitution of India. And it is for the Chief Minister, this is very important, and it is for the Chief Minister to act in the best interest of the state and consider as to whether a person who has criminal background and or has been charged with offences involving moral turpitude should be appointed and should be allowed to continue as a minister or not. Scathing remarks against Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi. This is in July and we are in November. What does it show? Every citizen today is asking this question. The question is very simple. A criminal who ought to have been behind bars and it was the duty of the state government to prosecute him is hand in glove providing VVIP treatment to this criminal. One, two, important files and papers are being shared with this corrupt minister. Three, violation of the Prisons Act and the jail manual, which does not permit the number of visitors that we are seeing in the video. In one of the videos, there are four persons. Fourth, Article 14, which talks about equality before law. Every citizen in the country is equal, then why is it that a corrupt person is being meted out such VVIP treatment? Would the other prisoners be given the same treatment? The answer is a categorical no. Fifth, the Delhi High Court itself passes the scathing remarks that I've just read and hopes that upholding the Constitution of India, Arvind Kejriwal will forthwith sack this corrupt minister. Hasn't been done. Sixth, the bail application of this corrupt minister
has been rejected just 2 days back. Arvind Kejriwal, you have no faith in the judicial system of the country? Or are you above law? Should your party not be named Spa Massage Party? You promise schools. You promise hospitals. And this is what you give to the people of Delhi. There couldn't be any issue more serious than this. And I would only add to this and then end the version of the press conference that I have held. I have a copy of Arvind Kejriwal's tweet where he claiming credit for sacking a corrupt minister in the Punjab government had said, हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है आरोप लगेंगे हम स्वास्थ्य मंत्री को हटा रहे हैं और मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरी आंखों में आंसू हैं, भगवान मान जी आपने क्या काम किया है, मेरी आंखों में आंसू हैं। आज दो सवाल मैं भी पूछता हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, ये दोहरे मापदंड, ये दोहरा पैमाना क्यों है? पंजाब के मंत्री पे आरोप लगा, तुरंत हटा दिया गया। यहां 5 महीने से दिल्ली सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री आप हैं और आप हटाने की चेष्टा नहीं कर रहे। क्या ये इस वजह से है कि आपके अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री ने तो अपना काम किया लेकिन अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है, उनकी खुद की गर्दन सतेंद्र जैन के हाथों में फंसी है इसलिए हटा नहीं पा रहे हैं? और दूसरी बात मैं कह दूं, आज आंसू तो जनता की आंखों में है और इसलिए है जिस रुपए का इस्तेमाल, जो सरकारी कोष जनता के हित में इस्तेमाल करना था आज उसका इस्तेमाल मसाज, चंपी, पेडिक्योर, मैनिक्योर, फेशियल, इसके लिए हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, इस मुद्दे से ज्यादा गंभीर मुद्दा कोई नहीं हो सकता है। और ये जरूर कहूंगा, अगर रत्ती भर भी नैतिकता बची है, रत्ती भर भी नैतिकता बची है, तो जहां कहीं भी आप बिल पे छुपे हैं बाहर निकल के आइए। ये बहुत अहम सवाल हमने कानूनी, राजनीतिक, नैतिकता के आपसे पूछे हैं और अगर आप बाहर निकल के अगले 3 घंटे में नहीं आते हैं, ये मान लिया जाएगा कि सबसे बड़ा देश में भ्रष्टाचारी नेता कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, महाठग कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, कट्टर बेईमान कोई है तो अरविंद केजरीवाल है और इसीलिए उसकी गर्दन सतेंद्र जैन के हाथ में है और वो बाहर नहीं आ रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी। अब मैं निवेदन करूंगा, इससे पहले कि आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करें, 2-3 मिनट का जो वीडियो है उसको जरा प्ले कर लें, आप भी देख लें जिन लोगों ने नहीं देखा अभी तक, कि किस प्रकार से कट्टर ईमानदार, कट्टर भ्रष्टाचारी और किस प्रकार से ये हो रहा है सब कुछ। हम लोग हट जाएंगे तो तब तक ये कर रहे ना, ऑडियो नहीं है ना, सीसीटीवी ऑडियो आ जाएगा भाई। बीमारी का मजाक बना रही है बीजेपी, घटिया हरकत कर रही है, निष्ठा पर उतर आई है, बीमार व्यक्ति है, उसका इलाज चल रहा है, उसका वीडियो जो है दिखा रहे हैं। आई विल आंसर प्लीज, आई हैव द लेटर, आई विल आंसर। यस, देखिए, बौखलाए हुए, घबराए हुए भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और एक्यूज्ड नंबर 1 भ्रष्टाचार के ही आरोप में मनीष सिसोदिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें
तो ये पहली बात कहना गलत नहीं होगा कि एक भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए दूसरा भ्रष्टाचारी आता है महाभ्रष्टाचारी के इशारे पे, पहली बात। दूसरी बात, घटिया इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, बीमारी का मजाक। मैं सबसे पहले यह पूछूंगा कृत्यों से, सोच से, नियत से, अगर कोई घटिया भ्रष्टाचारी जिसकी सोच में फफूंदी लगी है, अब शब्द नहीं कहूंगा, जिसकी विचारधारा में फफूंदी लगी है, तो वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। क्यों? अब आपसे मैं कहता हूं, ये सवाल दागिएगा। अरविंद केजरीवाल आपको मिले तो जरूर दागिएगा, ना मिले तो एक्यूज नंबर वन मनीष सिसोदिया से दागिएगा। ये पूछिएगा कि बीमारी में ये प्रिस्क्रिप्शन अभी मैं खोल के पढ़ूंगा, कहां लिखा है कि आप जो जेल के कपड़े होते हैं वो कपड़े नहीं पहनाएंगे। दूसरी बात, जो कागज जा रहे हैं, दिल्ली सरकार की फाइलें अंदर जा रही हैं, जो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं उस मुकदमे से जुड़े जो कागजात हैं वो अंदर जा रहे हैं, ये कहां लिखा है? चार लोग एक साथ उस जेल के सेल के अंदर हैं। आपने प्रिजन एक्ट और जेल मैनुअल पढ़ा है अरविंद केजरीवाल जी? क्या ये कानून संगत है? इसका बीमारी से क्या लेना देना है? ये लिखा है कि बीमारी का उपचार चार लोग करेंगे जो कागज लेके जाएंगे, बिस्लरी वाटर पिलाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है एक मोटी वायर है, एसी लगा है, और जो चिट्ठी इन्होंने दिखाई है, मनीष सिसोदिया जी से पूछेगा, 22 सितंबर की दिखा रहे हैं, 22 सितंबर की, ठीक है, जो मेरे पास है, और ये जो वीडियो आ रहे हैं ये करीब 13 सितंबर 23 सितंबर की चिट्ठी है, देख लीजिए, और ये जो वीडियो है ये 13 सितंबर के हैं। मतलब जब वीडियो का इन्हें आभास हो गया, जब चोर पकड़ा जा रहा होता है तो वो इसी तरह से बचाव के लिए साक्ष्य बनाता है। तो ये पूछा जाएगा कि ये वीडियो पहले का, चिट्ठी बाद की, पहले से मसाज कैसे दे रहे थे? तो क्या कोई कानूनी विकल्प है या सरकार कोई ऐसी कोशिश कर रही कि तिहाड़ जेल में जो उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है उन्हें किसी दूसरी जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाए? देखिए, आपने बहुत अहम पहलू पे बात करी। अगर कानून का उल्लंघन होगा, जेल मैनुअल का उल्लंघन होगा, तो आगे भी अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता सकता हूं, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई हस्तक्षेप न्यायालय करेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आज ये स्पष्ट हो गया है, पहला, जो सरकार प्रोसिक्यूट करती है, अपराधियों को सजा दिलाती है, वो संरक्षण कर रही है अपराधियों का। दूसरा, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है, कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। तीसरी बात, वो व्यक्ति खुद कानून में आस्था नहीं रखता है तो उसको क्या हक है कि कानून के तहत वो कोई भी अनुमति न्यायालय से मांगे या बेल मांगे। और जो सबसे बड़ी बात है, अभी ईडी जो कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है सख्त, तो बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष से है। ये बात ईडी ने, सीबीआई ने, दो मुकदमे सतेंद्र जैन पे चल रहे हैं, खुद उठाई है कि जेल के अंदर सारी सुख सुविधाएं, मसाज दिया जा रहा है, जो प्रमाण है, जो कि किसी भी ट्रायल का फाउंडेशन होता है, नींव होती है, उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और मैं आपको अपने अनुभव से यह बात बता दूं, जब मामला इतना गंभीर हो जाए
और प्रमाण चीख चीख के चेहरे पे कहने लगे कि कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो इस देश की न्यायालय और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल जो कि जिम्मेदार दल है, प्रखर रूप से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेगा। और हमें यह उम्मीद है कि ऐसे अपराधी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी और ऐसा उदाहरण जनता के बीच में जाएगा कि अगर तुम कानून का मजाक बनाओगे तो इतिहास के पन्नों पे कट्टर बेईमान लिखे जाओगे। एक-एक करके कर बेटर रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी दोनों विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, एमसीडी चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। लेकिन मनीष सिसोदिया कह रहे थे कूड़े पे लड़ा जाए ना, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कूड़े पे, गंदगी पर ही लड़ा जा रहा है। आप जानिए एक बात, अगर कोई अपराधी अपराध करता है और न्यायालय अपना काम करती है, उसको चुनाव से जोड़ देना यह कितना उचित है? जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर एक शब्द आप नहीं कहते हैं। जनता ये कह रही है कि यह भ्रष्टाचार, ये कट्टर बेईमानी, उगाही, वसूली, अरविंद केजरीवाल जी ये कब तक आप चलाते रहेंगे? जनता जवाब देना चाहती है, आक्रोश जनता में। को एक्यूज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया ने ये कहा है आज कि को एक्यूज मिल सकते हैं जेल में एक्यूज से, और बीजेपी को जेल मैनुअल पढ़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी के अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे, क्योंकि जो है वीडियो कैसे लीक हो गया वो ये भी कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, दे आर इन अ हैबिट टू शूट द मैसेंजर। ये वीडियो चीख चीख के कह रहा है अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हो, और मनीष सिसोदिया उस पर एक शब्द नहीं बोले हैं। और मैं पुनः कहूंगा, अरविंद केजरीवाल अगर बात करते हैं कि जेल मैनुअल पढ़े हैं, प्रिजन एक्ट पढ़े हैं, सेक्शन 40 है, पढ़ लीजिएगा। एक एक व्यक्ति जो जाता है, उस व्यक्ति की अनुमति होनी चाहिए किस कारण से वो अंदर जा रहा है, और वो संख्या निर्धारित होती है, प्रिजन मैनुअल भी कहता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, चार व्यक्ति जाते हैं। कौन से कागज ऐसे हैं जो आरोपी को एक दिखाई जाते हैं? पूछा नहीं जाएगा। अभी एक तरफ आप कहते हैं बीमारी है तो उसका इलाज चल रहा है, तो मैंने इसीलिए पूछा, कपड़े वो नहीं पहने जो एक कैदी पहनता है? चार लोग एक साथ अंदर क्यों हैं? ये बीमारी का इलाज है, चार लोग अंदर रहेंगे। और इसके साथ कागज जो निकाल के दिए जा रहे हैं, ये हमारा आरोप है बिल्कुल स्पष्ट, जो भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं उसके साक्ष्य से, एविडेंस से खिलवाड़ हो रहा है, और जो वसूली और उगाही होती है, ठग के लेटर हमने देखे हैं, वो भी आज साफ हो गया है कि वो काम अरविंद केजरीवाल के इशारे पे जेल से भी सतेंद्र जैन आज भी कर रहे हैं। ये चिंताजनक है, और हम पे सवाल उठाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, जनता का विश्वास आप खो चुके हैं, और ये सारे सवाल आपको उत्तर देना। धन्यवाद।